उपकरण के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर अस्पताल के प्रबंधन को आखिर अस्पताल के जर्जर होते भवन पर तरस आ ही गया। अस्पताल के विभिन्न वार्डों की ओर से गैलरी में जो कि विगत लंबे समय से जर्जर हो रखी थी का मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है। ठीक बारिश के मौसम से पूर्व अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड तथा मेल फीमेल वार्ड की ओर जाने वाली गैलरी तथा अन्य वार्डों में वहां की हालत ज़्यादा खराब होने के कारण वहाँ पर मंगलवार से मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरम्मत कार्य का टेंडर जारी किया गया था, जिसके बाद मंगलवार से अस्पताल में विभिन्न जर्जर जगहों पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते बरसात में होने वाली परेशानी से रोगियों तथा उनके परिजनों को राहत मिल सकेगी तथा विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को भी इस भय से निजात मिलेगी कि कहीं छत से प्लास्टर नहीं गिर जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के जर्जर जगहों पर मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया है। प्रबंधन के अनुसार मरम्मत कार्य मेल फीमेल सर्जिकल वार्ड, ओटी गैलरी, सर्जिकल वार्ड से मेल फीमेल वार्ड की ओर जाने वाली गैलरी, ईएनटी वार्ड में मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है, जो कि जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजकीय अमृत कौर अस्पताल की पूरी तरह से जर्जर हो रखी है। यूं तो पूरे अस्पताल परिसर को जमीन दोष कर का पूर्ण निर्माण करवाया जाना चाहिए, लेकिन प्रबंधन फिलहाल अस्पताल के कुछ हिस्सों में ही मरम्मत का कार्य करवा रहा है। वही हाल ही में शहर में हुई मामूली बरसात में ही मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज पर रात में अचानक छत से प्लास्टर गिर गया। यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस प्रकार सर्जिकल वार्ड से मेल फीमेल की ओर जाने वाली गैलरी में भी छत का प्लास्टर गिर गया। यह हादसा भी रात के समय हुआ, जिस समय वहां पर रोगी परिजनों की आवाजाही कम रही, अन्यथा यहां भी गंभीर हादसा हो सकता था। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा यह मरम्मत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि राजकीय अमृत कौर अस्पताल का पूर्ण रूप से नवनिर्माण कार्य हो, तभी इस समस्या से राहत मिल सकेगी।